नमस्कार दोस्तों, जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड, जो विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं, रीट के विद्यार्थी हैं और जो भी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो भी राजस्थान की है, राजस्थान के अलावा जो भी केंद्र की जितनी भी एग्जाम है उनके अंतर्गत ये साइंस आएगी। और जो भी बच्चे लैब असिस्टेंट, स्पेशल लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड साइंस से कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो कल हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोलॉजी का परिचय, कि बायोलॉजी का परिचय क्या होता है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र, कि मानव पाचन तंत्र क्या है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन को ये तो पता चलना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन देखते हैं कि कि जो हमारा पाचन तंत्र है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पाचन तंत्र होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं और इस पाचन की क्या क्या क्रियाविधि होती है। तो जो हमारा मनुष्य का और जो पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। अंग के बाद में जो पाचन अंगों है, जो हमारे पाचन अंग है, उस पाचन की क्या पढ़ेंगे अपने क्रियाविधि, क्या पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि। हम इस पार्ट को सेकेंड ग्रेड लेवल स्तर पर या लीट लेवल पर देखते हैं तो दो प्रकार से देखते हैं। एक तो हमारे पाचन के अंतर्गत कौन कौन से अंग हो गए और दूसरा कि ये अंग है जो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जो अंग है, तो इस अंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारे आहार नाल। क्या आता है? आहार नाल। सबसे पहले हमको क्या पढ़नी है? आहार नाल पढ़नी है। आहार नाल के बाद में पढ़नी है आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां। क्या पढ़नी है? आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आहार नाल में क्या क्या होता है। जो आहार नाल होता है उस आहार नाल के अंतर्गत आती है सबसे पहले मुख, या अपन मुख कह सकते हैं या मुख गुहा कह सकते हैं। तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या आएगा? मुख गुहा के अंदर हमारे आएगा दांत आएंगे। क्या आएंगे? दांत। दांत से पहले क्या आएंगे? हमारे होस्ट आएंगे या होठ आएंगे। होठ के बाद में हमारे आएंगे दांत। दांत के बाद में हमारे आएगी जीभ। क्या आएगी? जीभ। ठीक है, ये चीजें पढ़ने पड़ेगी। जीभ के बाद में हमारे आएंगे तालू। क्या आएगा भाई? तालू। तालू भी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तालू पढ़ने के बाद में हम मुख गुहा से आगे जाते हैं। तो मुख गुहा से और जीभ आ गई, होठ आ गए, दांत आ गई, जीभ आ गई, तालू आ गए। ठीक है, ये चार चीजें तो हमें मुख गुहा के अंतर्गत पढ़नी पड़ती है। दूसरा पढ़ते हैं अपन गर्सनी। क्या पढ़ते हैं? गर्सनी। ठीक है, और तीसरा पढ़ते हैं अपन, या इसको मुख गर्सनी भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं गर्सिका। क्या पढ़ते हैं? गर्सिका। गर्सिका पढ़ेंगे। गर्सिका पढ़ने, गर्सिका को बोलते हैं ग्रास नलिका। क्या बोलते हैं? ग्रास नलिका।
ग्रास नली का भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या आएगा, फिर पेट आएगा, उसको बोलते हैं अपना आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय, या इसको बोलेंगे पेट, या इसको बोलेंगे उदर। क्या बोलेंगे? उदर। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं छोटी आंत। क्या पढ़ते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में उसके आगे पढ़ेंगे अपन बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बारे हम पर क्या पढ़ेंगे? अपेंडिक्स। क्या पढ़ेंगे? अपेंडिक्स भी इसके अंदर आता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद में एक आता है हमारा मलाशय। क्या आता है? मलाशय। और लास्ट होता है गुदा, इसको हम एनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है, सबसे पहले हम किसकी बात करें, केवल अंगों की बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र के अंतर्गत, पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो इस अंगों की बात कर रहे हैं हम, जो पाचन तंत्र में जो अंग है उनकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है? आहार नाल पढ़नी। क्या पढ़नी है? आहार नाल पढ़नी है। आहार नाल के बाद में, आहार नाल के अंदर सबसे पहले आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल के बाद में हम मुख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुख। मुख के बाद में मुख गुहा पढ़ेंगे, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद में हम ग्रसनी पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रसिका पढ़ेंगे या ग्रास नली का पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आमाशय पढ़ेंगे। उसके बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत के बारे में अपन पढ़ेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद में पढ़ेंगे मलाशय, और ये क्या पढ़ेंगे? गुदा। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे पाचन अंग होते हैं। क्या होते हैं? पाचन अंग। क्वेश्चन आ जाए कि हमारे निम्न में से पाचन अंग होता है, कोई सा भी, आपको इन ऑप्शन में से चार ऑप्शन दे सकते हैं। तो इन चार ऑप्शन के आधार पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका को ग्रास नलिका बोलते हैं, आमाशय है पेट, आमाशय को ही पेट या उदर बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद में अपेंडिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मलाशय पढ़ना पड़ेगा हमें, गुदा जो एनस भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां, कि आहार नाल से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, या अपन इनको ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रंथियां हैं हमारे आहार नाल से संबंधित, या इनको कह सकते हैं सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या कह सकते हैं? सहायक पाचक ग्रंथियां। कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, किसी भी हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, उस खाने का डाइजेस्टिव, उसका पाचन कौन कौन सी ग्रंथियां करती है। तो इसमें हमारी तीन ग्रंथियां आती है। कितनी ग्रंथियां आती है? तीन ग्रंथियां। सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आ जाएंगी। तो हमें पूरा डीपली जाके विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा लार ग्रंथि के बारे में। उसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा यकृत। हम बोलते हैं जिसको लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। फिर आती है हमारा तीसरा। हमारा तीसरा क्या आता है? अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या आता है? अग्नाशय। तो ये हमारी तीन ग्रंथियां होती है पाचन तंत्र में, हमारे ये अंग होते हैं, और ये होती है हमारी सहायक पाचक ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, और अग्नाशय भी क्या होती है? हमारी ग्रंथि होती है। तो इन अंगों के साथ साथ आहार नाल में मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, मलाशय, गुदा, इनके अलावा हमें ये टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं। देखो डायग्राम में हमें मिलेगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये यहां से हमारा मुख स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या है? मुख है, माउथ बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मुख हो गया। इस मुख के बाद में अपन देखते हैं कि ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारी जीभ लग रही है। क्या लग रही है? ये हमारी जीभ है। जीभ के बाद में आप ये जो क्षेत्र बच गया, ये जो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, यहाँ का जो क्षेत्र, इसको बोलते हैं अपन तालू। क्या बोलते हैं? तालू। तो ये तालू अपन को फड़ना है। तालू के बाद में यहाँ पर जो आ गया, यहां से फिर खाना जाएगा यहाँ पे, फिर इस भाग को अपन बोलेंगे गर्सनी। क्या बोलेंगे? गर्सनी। ठीक है, फिर यहां से, फिर यहां से भाग आएगा। यहां से भाग आने के बाद में इस भाग को नाम दे दिया ग्रास नली। क्या नाम दे दिया? ग्रास नली। और यहां पे एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन भी पाया जाता है, जिसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। तो खाना आपके मुंह से जाएगा, मुंह से जाने के बाद में ये खाना इस यहाँ पे होके आएगा।
अब यहाँ पे होने के बाद में आएगा, तो यहाँ पे हमारी सहायक पाचक ग्रंथि लग रही है लीवर, क्या लग रही है लीवर। इस लीवर के बारे में अपन को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये लग रहा है, एक ये लग रहा है पित्ताशय, क्या लग रहा है पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय। यहाँ पे क्या लग रहा है पित्ताशय, ठीक है। फिर यहां से खाना हमारे कहाँ पे जाता है, फिर हमारा पेट स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा फिर पेट आता है। फिर भी ये हमारा पेट भी तीन भागों में डिवाइडेड होता है, कितने भागों में, तीन भागों में पेट भी हमारा डिवाइडेड होता है। तो पेट के वो तीन भाग पड़ेंगे, फिर पेट से खाना फिर यहाँ से हमारी छोटी आंत में स्टार्ट हो गया, ये छोटी आंत है हमारी, इस छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से जाने के बाद में क्या जाएगा बड़ी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत से फिर यहां से पढ़ना पड़ेगा, फिर यहां से जो हमारा खाना है, जो ये खाना है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है मलाशय, क्या आ जाता है मलाशय। तो बड़ी आंत से कहाँ पे जाएगा मलाशय में। तो ये इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे, कि एक बार साफ तरीके से और देख लो कि ये हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख से शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है मुख से। तो मुख से शुरू होने के बाद में ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एनस, नीचे ये है एनस, तो इस एनस तक जाता है। तो एनस तक जाने के बाद में क्या होगा, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र का क्या होता है डायग्राम होता है। अब इस पाचन तंत्र की अपन क्या कर रहे हैं विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो पहली हमारी हेडिंग रहेगी आहार नाल, क्या रहेगी भाई आहार नाल। जो आहार नाल होती है हमारी, आहार नाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहली एडिंग है हमारी आहार नाल। अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया, चित्र डायग्राम में देख लिया अपन ने कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो मनुष्य की आहार नाल मुख या मुख गुहा से स्टार्ट होकर गुदा तक जाता है। तो मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल मुख या मुख गुहिका, बकल कैविटी जो बोलते हैं, मुख गुहिका से शुरू होकर, से शुरू होकर गुदा तक जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि हमारी आहार नाल शुरू कहाँ से होती है, तो मुख या मुख गुहा से, और हमारी आहार नाल खत्म कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है गुदा पे, ठीक है, जिसे हम एनस बोलते हैं गुदा को, वहां पे हमारी आहार नाल क्या होती है खत्म होती है। तो आहार, क्वेश्चन फिर आता है कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो आहार नाल के अंतर्गत हमारी, अब जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो आहार नाल के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन ये आता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई, जो ये हमारी आहार नाल होती है, इस आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 9 मीटर, कितनी होती है लगभग 9 मीटर होती है। और 9 मीटर को यदि अपन उसमें फिट में कन्वर्ट करें तो 32 या 33 फिट, यदि फिट के अंदर पूछता है तो क्या आ जाएगा 32 फिट, कितने 32 फिट। क्वेश्चन आ जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है या 32 फिट होती है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आहार नाल से रिलेटेड, कि जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, तो शाकाहारियों में आहार नाल किसकी बनी हुई होती है। तो जो शाकाहारी है, जो शाकाहारी है, तो शाकाहारियों की आहार नाल, शाकाहारियों की आहार नाल सेल्यूलोज की होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, या इसमें सेल्यूलोज का अधिक पाचन होता है। और जो मांसाहारी है, मांसाहारी की जो आहार नाल होती है, उसमें सर्वाधिक पाचन किसका होता है प्रोटीन का होता है, किसका होता है प्रोटीन का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, कि जो हमारी आहार नाल शाकाहारियों की लंबी होती है, मांसाहारियों की लंबी होती है। तो जो आहार नाल होती है, जो हमारे शाकाहारी है, शाकाहारी, शाकाहारी की आहार नाल,
शाकाहारी की आहार नाल लंबी होती है, ठीक है। और मांसाहारी की, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी की आहार नाल कैसी होती है? मांसाहारी की आहार नाल छोटी होती है। क्वेश्चन आ जाए कि शाकाहारी की आहार नाल में एक सब क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। अब जानते हो सेल्यूलोज का पाचन होना थोड़ा कठिन होता है, जटिल होता है, और प्रोटीन का उसे जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब आहार नाल की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि आहार नाल कैसी संरचना है, कि जो हमने बात की कि आहार नाल कैसी संरचना है, तो आहार नाल हमारी है, आहार नाल लंबी वह कुंडलित संरचना है। कैसी है? कुंडलित संरचना है। देखो एक वर्ड आया है कि आहार नाल लंबी होती है और कुंडलित होती है, कैसे? यहां पे अपन ने देखा ये हमारी आहार नाल दिख रही है, ये मुख से स्टार्ट होके कहां पे जाती है? गुदा तक जाती है। तो ये यहां पे देख ले कुंडलित बने हुए हैं, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारी ये आहार नाल बनी हुई है। देखो ये फिर गुदा तक जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से हमारी आहार नाल है। देखो किस प्रकार से बनी हुई है, जी इस प्रकार से कुंडलित है भाई, गोल कुंडलियों के रूप में हो रही है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं कुंडलित। और कैसी है? लंबी नलिका के रूप में होती है। तो ये थे हमारे आहार नाल के बारे में, कि आहार नाल का हमने परिचय पढ़ा, कि आहार नाल शुरू कहाँ से होती है। आहार नाल की शुरुआत अग्रभाग, मतलब आहार नाल का अग्रभाग कहलाता है हमारा मुख। क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। और आहार नाल का जो पश्च भाग होता है वो क्या कहलाता है? गुदा, मतलब अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुदा कहलाता है, ठीक है। जैसे आपको उतारना है तो आप ये उतार सकते हो, और बाकी नोट्सों से और पढ़ेंगे अभी। एक मिनट के लिए आप उतार सकते हो ना, आप उतारो अभी। हाँ दोस्तों उतार दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आहार नाल के बारे में, हमारे क्या क्या क्वेश्चन बना, कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है एनस, गुदा होता है, ठीक है। कि आहार नाल कैसी संरचना है? आहार नाल कुंडलित लंबी एवं पेशीय संरचना। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर या 32 फीट होती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल होती है, इस आहार नाल के अंतर्गत, आहार नाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिकता होने के कारण इनकी क्या होती है? आहार नाल बड़ी होती है। और मांसाहारियों क्या होती है? छोटी होती है। और शाकाहारियों की आहार नाल कैसी होती है? लंबी। और इनकी कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नोट्सों की तरफ।
दोस्तों, जो हमारी आहार नाल होती है, इस आहार नाल की अपन बात करें, दिख जाएगा सबको लगभग। दिख जाना चाहिए। देखो, जो हमारी आहार नल होती है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर। कितनी? 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 32 फीट। कितनी फीट? लगभग 32 फीट होती है। फिर आता है कि आहार नल कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, तो आहार नल मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। कहाँ से? मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। और मुख से गुदा तक जहाँ पे फैली हुई होती है, वहां पर विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है, जो मैंने आपको बताई दिया, और वे संरचनाएं इसके अंदर आएगी। फिर आती है कि यहाँ निम्न, हाँ, एक क्वेश्चन था कि आहार नाल में कौन सी क्रियाएं होती है, कि आहार नाल में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो आहार नाल के अंतर्गत जो क्रिया होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आहार नाल में कौन सी, आहार नाल में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जो भोजन होता है उस भोजन को मुख में लेना, क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। मतलब ग्रहण करना। क्या करना? भोजन को ग्रहण करना, क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। उसके बाद में होता है उसका पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है? कि भोजन का बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना, क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। फिर होता है उसका अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण होता है मतलब वे पदार्थ जो हमारे शरीर के द्वारा पाचन क्रिया होने के बाद हमारा शरीर जिनको अवशोषित कर लेता है, जैसे वसा है। हमारी क्या होती है? वसा होती है। इस वसा का पाशीकृत होता है, क्या होता है? पाशीकरण होता है। तो इस पाशीकरण में वसा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और इनको हमारा शरीर क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण के बाद में आता है बहिःक्षेपण। क्या आता है? बहिःक्षेपण। बहिःक्षेपण का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आहार नाल में कौन सी क्रिया होती है, तो आहार नाल में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिःक्षेपण की क्रिया होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पाचन क्रिया में कौन सी घटनाएं होती है, क्वेश्चन बस इतना ही बदलेगा, इस आहार नाल की जगह यदि पाचन क्रिया आ जाए, क्या आ जाए? पाचन क्रिया। कि पाचन क्रिया में, कि पाचन क्रिया में कौन सी घटना होती है, कौन सी घटना होती है। तो पाचन क्रिया के अंदर पांच घटनाएं होती है। कितनी घटनाएं? पांच घटनाएं होती है। तो पांच घटनाओं के अंतर्गत आती है पहली अंतर्ग्रहण। क्या आती है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद में आती है पाचन। क्या आती है? पाचन। फिर आता है उसका अवशोषण। क्या आता है? अवशोषण। फिर उसका आता है स्वांगीकरण। क्या आता है? स्वांगीकरण। और पांचवा उसका आ जाता है बहिःक्षेपण। क्या आ जाता है? बहिःक्षेपण। तो हमको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा है। यदि आहार नाल से रिलेटेड पूछा है कि आहार नाल में कौन सी घटनाएं होती हैं, तो आहार नाल में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिःक्षेपण की क्या होती है, ये सारी घटनाएं होती हैं। कि आहार नाल के अंदर चार घटनाएं होती है। कितनी घटनाएं? चार। और पाचन तंत्र के अंतर्गत कितनी घटनाएं होती है? पाचन तंत्र के अंतर्गत पांच घटनाएं होती है। केवल क्या याद रखना है? स्वांगीकरण। क्या याद रखना है? स्वांगीकरण। तो जो पाचन क्रिया होती है उसके अंदर पांच घटनाएं होती है, आहार नाल में कितनी घटनाएं होती है? चार घटनाएं होती है। इसके बाद में एक वर्ड आता है कि आहार नाल में कौन सी गतियां होती है, तो आहार नाल में कर्माकुंचन गतियां होती है। कैसी गतियां? कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गतियां होती है, कर्माकुंचन गतियां होती है। तो ये भी हमें आहार नाल में लिखना है कि आहार नाल में कौन सी गतियां होती है, कर्माकुंचन गतियां होती है। ठीक है, ये थे हमारे आहार नाल से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में आहार नाल के बाद में हमारा होता है मुख स्टार्ट। क्या होता है? मुख स्टार्ट, माउथ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे माउथ में आते हैं हमारे लिप्स। क्या आते हैं? हमारे लिप्स आते हैं। तो लिप्स देखें अपन, जो हमारे मुख है इसमें क्या शामिल होता है? होठ शामिल होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं? होठ शामिल होते हैं।
और होठों में हमारी लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है। क्या होती है? लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है जो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। कि जो हमारे लिप्स हैं, इस लिप्स के ऊपर हम देखते हैं हमारे पसीने वगैरह आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं? लेबियल ग्रंथि। सबसे पहले अब हम क्या पढ़ रहे हैं? होठ पढ़ रहे हैं। इन होठों में क्या पाई जाती है? लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है। कैसी ग्रंथि उपस्थित होती है? लेबियल। और क्वेश्चन आ जाए कि हमारे होठ के अंदर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? हमारे होठों के अंदर लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है। और जो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है, कौन सी ग्रंथि? तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। इसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि होठों में स्पर्शग्राही या मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। ऐसी स्पर्शग्राही या मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। अब ये बात है, सिर्फ मिश्रण कणिकाएं होती क्या है? मिश्रण कणिकाएं, देखो मिश्रण कणिका की अपन ने होठों के बारे में बात कर रहे हैं, लिप्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि जो कि या मैंने पढ़ा कि यहां पे मैंने बताया कि मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। ये मिश्रण कणिकाएं क्या होती है? ये संवेदनशील होती है। क्या होती है? संवेदनशील होती है। ठीक है, संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव अंग है कि यहाँ पे स्पर्श करोगे तो आपको संवेदनाएं महसूस होगी। क्या होंगी? संवेदनाएं महसूस होती है। तो हम क्या देखते हैं कि मिश्रण कणिकाएं हैं हमारी, क्या मिश्रण कणिकाएं, ये संवेदनशील होती है। ये हमारे होठों पे भी पाई जाती है, होठों के अलावा स्तनों पे भी पाई जाती है। इसके अलावा जो जननांग होते हैं वहां पर भी मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है, जिस वजह से ये दो चार क्षेत्र हैं हमारे शरीर के, ये क्या होते हैं? संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो ये थे हमारे होठ के बारे में कि हमारे होठों के ऊपर क्या पाई जाती है? मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? मिश्रण कणिकाएं पाई जाती है। अभी कमेंट देखते हैं। कमेंट आए, बंटी मीणा, छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 एम होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 एम होती है। बंटी मीणा, मस्तिष्क की तीसरी आंख किसे कहते हैं? अरे भाई पीनियल ग्रंथि पढ़ते हैं अपन। पायल कुमारी, वॉइस नहीं आ रहा, वो थोड़ी देर के लिए वॉइस हमारी रुकी थी उतारने के लिए। हाँ, जो भी क्लास ले रहे हैं एक बार ये बताओ कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नोट्स अच्छे से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे लाइव वाले? अब यहाँ पे हमने किसकी बात की? मुख। मुख में किसमें? होठों की। कि मुख के अंदर हमारे होठ शामिल होते हैं। होठों में कौन सी ग्रंथि होती है? लेबियल ग्रंथि होती है, और जो तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है। और होठों में स्पर्शग्राही या मिश्रण कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब होठों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगी मिश्रण कणिकाएं कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? जो स्तन होते हैं वहां पे पाई जाती है, जननांग क्षेत्र पे पाई जाती है, और हमारे होठों पे पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि होठों में कौन सी पेशी होती है? होठों में ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। कौन सी? ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है होठों में, ऑर्बिकुलेरिस पेशी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे गाल होते हैं इन गालों में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो इन गालों में बकीनेटर पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी? बकीनेटर पेशी पाई जाती है। ठीक है, अब हम फिर ये हमने मुख में देखा कि हमारा मुख है, मुख के अंदर सबसे पहली संरचना क्या थी? होठ। तो कोमल व्लॉगिंग एंड गेमिंग, हाँ चल रही है क्लास, फिर आती है हमारी बक्कल कैविटी, मतलब मुख गुहिका। क्या आती है? मुख गुहिका। तो सबसे पहले हम बात करें कि मुख गुहिका क्या होती है। तो मुख गुहिका की हम बात करें जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। कि वह संरचना, कि वह संरचना, या अपन ऐसे कह सकते हैं दांत और जबड़ों से गिरी हुई आकृति, या दांत व जबड़ों से गिरी हुई गुहा को मुख गुहिका कहते हैं। कि दांत व मुख गुहा से, या अपन ऐसे कह सकते,
दांत वह जबड़ों से घिरी गुहा को, मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। अब आता है हमारी मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो हमारी मुख गुहा के अंतर्गत निम्न संरचनाएं होती है कि मुख गुहा में कौन कौन सी क्या पाई जाती है संरचना। तो एक आती है सबसे पहले तालु, क्या आती है तालु। दूसरा आती है हमारी जीभ, क्या आती है जीभ। तीसरे आती है हमारी दांत, क्या आते हैं हमारे दांत हैं। तो हमारे मुख गुहा के अंतर्गत तीन संरचनाएं आती हैं। अब ये मुख गुहा के भी किसमें आ रही है, मुख गुहा किसके अंतर्गत आ रही है, आहार नाल के अंतर्गत। अरे हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको, हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। और आहार नाल में हमने पहला पढ़ा मुख, मुख के अंदर क्या आते हैं होंठ आते हैं। दूसरा अंग कौन सा है आहार नाल में, मुख गुही का दूसरा अंग है ये वाला। तो इसके अंतर्गत क्या आती है, तीन संरचनाएं आती है, कौन कौन सी, तालु जीभ और दांत आती है। ठीक है, ये तीन क्या आती है हमारी संरचनाएं आती है। अब इस संरचना के बारे में अपन देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा तालु, क्या पढ़ेंगे तालु। तालु जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर भाग में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारा तालु देता है, तालु दिखता है, क्या दिखता है तालु। तो तालु क्या हो, तालु की परिभाषा क्या होगी, या तालु क्या, अपन तालु के बारे में क्या कह सकते हैं कि तालु मुख गुहिका की छत बनाता है, कि मुख गुहिका की छत बनाता है, मुख गुहिका की छत बनाता है, मुख गुहिका की क्या बनाता है छत। अब ये हमारा तालु होता है जो भी दो भागों में विभक्त रहता है। तालु कितने भागों में बटा रहता है, तालु कितने भागों में, तालु के, तालु के दो भाग हैं, कितने भाग, दो भाग। एक होता है कठोर तालु, कौन सा तालु, कठोर तालु। दूसरा होता है कोमल तालु, कौन सा तालु, कोमल तालु। एक तो कठोर तालु फड़ेंगे, दूसरा फड़ेंगे अपन कोमल तालु। आप देखते हैं कि आपके जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है जो आगे का हिस्सा है वो कठोर होता है, कैसा होता है कठोर, इस वजह से इसको नाम दे दिया कठोर तालु। और पीछे वाले हिस्सा जो कोमल होता है उसे क्या देख क्या कहते हैं अपन, कोमल तालु, क्या कहते हैं कोमल तालु। अब अपन, और ये कठोर तालु कहां पे स्थित होता है, आगे की ओर, कहां होता है आगे की ओर स्थित होता है। और ये किसकी साइड होता है, ये पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। अब ये बात आती है कि सर तालु तो दो प्रकार के हो गए, तो कठोर तालु में ऐसा क्या है कि कठोर है। अरे कठोर तालु में क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती है। और इस कोमल तालु के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती है। इस वजह से कठोर तालु क्या होता है, कठोर तालु में हड्डियां पाई जाने के कारण, कठोर तालु में हड्डियां पाई जाने के कारण ये कठोर होता है, और कोमल तालु के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती, जिस वजह से क्या होता है ये कोमल होता है। अब बात करते हैं सर हड्डियां पाई जाती है तो कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। तो हम हड्डियों की बात करते हैं, कठोर तालु में कौन कौन सी हड्डियां होती है। एक होती है पेलेटाइन, कौन सी हड्डी, पेलेटाइन। पहली हड्डी का नाम है पेलेटाइन। अरे वेलेंटाइन पे जाते हो, नहीं जाते हो, तो वेलेटाइन पे जाते हो तो कैसे याद रखना है पेलेटाइन, कैसे याद रखना है पेलेटाइन। वेलेंटाइन आता है 14 फरवरी को, तो पेलेटाइन याद रखना है, कैसे पेलेटाइन। फिर दूसरा आता है प्री मैक्सिली, क्या आता है प्री मैक्सिली। अरे मैक्सी, मैक्सी पहनते नहीं पहनते, प्री मैक्सिली, प्री मैक्सिली। दूसरी हड्डी का नाम क्या है, प्री मैक्सिली। और तीसरी हड्डी का नाम क्या आ जाएगा, मैक्सिली, क्या आ जाएगा भाई मैक्सिली। तो तीसरी हड्डी का नाम क्या आ जाएगा, मैक्सिली। क्वेश्चन आ जाता है कि हमने जो आप फड़ रहे हैं, क्या फड़ रहे हैं, तालु फड़ रहे हैं, तालु। तालु कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कठोर तालु जो हमारे जीभ के ऊपर वाला भाग होता है जो आगे की तरफ होता है वो कठोर होता है, इसमें हड्डियां पाई जाती है, कौन सी पैलेटाइन, प्री मैक्सिली, मैक्सिली नामक हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि प्री मैक्सिली हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, तालु में, और तालु में भी कौन सा तालु, कठोर तालु। हाँ भाई तालु समझ में आया लाइव क्लास लेने वालों,
लाइव क्लास लेने वाले तालू, समझ में आया नहीं आया? देखो यहां तक पढ़ ली। अब एक जो हमारे कठोर तालु होता है, अब जो हमारा तालु होता है तो अंदर से उसमें आप कभी भी अपना मुंह खोल के देखना, मुंह खोल के देखना कांच के अंदर, कि आपका जो तालु है उसमें इस प्रकार की लाइनें मिलेंगी, इस प्रकार से, इस प्रकार की लाइनें मिलती है। इनको बोलते हैं तालुवलिया। क्या बोलते हैं? तालुवलिया। कि हमारे तालु के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं। हमारे तालु के अंदर अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं, जिन्हें तालुवलिया कहते हैं। अब ये तालुवलिया क्या काम आते हैं? तालुवलिया क्या काम आते हैं? ये तालुवलिया जो मांसाहारी होते हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं, शाकाहारियों में कम विकसित होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, जो मांसाहारी क्या करते हैं, कोई भी शिकार करते हैं तो उसको मुंह से पकड़ते हैं, तो मुंह से पकड़ने में क्या उत्पन्न करते हैं? ग्रिप बनाने का काम करते हैं। इस वजह से मांसाहारियों में ये अधिक विकसित होते हैं और शाकाहारियों में कम विकसित होते हैं। ठीक है। अब कोमल तालु में हड्डियां नहीं होती, और इस कोमल तालु, ये लास्ट वाला हिस्सा है, और ये लास्ट वाला हिस्सा सकड़ा होकर लटक जाता है। आप देखते हो कि आपके गले में मुंह को जब खोलते हो तो एक संरचना लटकी हुई मिलती है, उस संरचना को बोलते हैं यवला। क्या बोलते हैं? यवला। इस यवला से एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, कि मनुष्य सोता है जब खर्राटे क्यों लेता है? कोई भी मनुष्य है तो वो सोता है तो खर्राटे क्यों लेता है? तो खर्राटे लेने का रीजन यही है, कि खर्राटे लेने का रीजन यही है कि ये जो यहाँ पे ये यवला होता है, जो मनुष्य सोता है तभी ये क्या होता है, जो हमारे अंतर्नासा छिद्र होते हैं उनको ढक लेता है। तो ढक लेने के बाद, ढक लेने से उसमें क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी आती है, जिस वजह से मनुष्य क्या लेता है? खर्राटे लेता है। क्या लेता है? खर्राटे। एक आता है कि एक वर्ड आता है जेकब सनंग। इस तालु के अंदर एक अंग पाया जाता है जेकब सनंग। जेकब सनंग कौन सा अंग? जेकब सनंग। अब ये क्या होता है जेकब सनंग? जेकब सन अंग वो होता है कि जो हम भोजन की गंध ग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन होता है तो हमें खुशबू आती है, वो नाक के माध्यम से कौन सा तालु करवाता है? ये कठोर तालु में पाया जाता है, एक जेकबसन अंग। क्वेश्चन आता है कि हमें भोजन की गंध कहाँ से प्राप्त होती है, किस अंग से प्राप्त होती है? तो हमारा अंग कौन सा है? जेकबसन अंग। कौन सा अंग है भाई? जेकबसन अंग है। तो इस जेकबसन अंग क्या करता है? हमें गंध ग्राही है। कैसा है? गंध ग्राही है। और इस यवला का और भी नाम है, तालु विच्छेद भी बोलते हैं, विलियम पेटेटी बोलते हैं। और ये यवला का क्या काम, जो मैंने यवला बताया था कि इस प्रकार से आप मुंह खोलते हैं तो मुंह में इस प्रकार से लटका रहता है, ये है अंतर्नासा छिद्र को बंद करता है। किसको? अंतर्नासा छिद्र को बंद करता है, अंतर्नासा छिद्र को बंद करता है। ये था हमारा यवला के कार्य। अब देखते हैं हमारे नोट्सों में, कि नोट्सों में क्या था हमारे, मुख फड़ लिया था पढ़ने। देखो ये हमारा यहां से मुख स्टार्ट हो गया, तो ये मुख के बाद में ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु। क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। इस तालु के बाद में, इस तालु के बाद में यहाँ पे हमारा क्या लटका रहता है? यहाँ पे हमारा यवला, यहाँ पे यवला लटका रहता है। और यहाँ पे हमारे दो, यहाँ पे छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतर्नासा छिद्र। जो नाक के अंदर होके जो छिद्र पाए जाते हैं, नाक के अंदर जो वायु आती है किससे आती है? अंतनासा छिद्र से होके जाती है। तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको तालु विच्छेद कहते हैं, और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं,
एपिग्लोटिस, जिसको घाटी ढक्कन या घाटी ढापन भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारी ये ग्रसिका आ जाती है, और ये हमारी क्या होती है, श्वास नली। इधर इस साइड क्या होती है, श्वास नली, और इस साइड क्या होती है, भोजन नली। इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। तो ये हमारा डायग्राम है एक। हम पढ़ रहे थे तालू कि मुख गुहिका की छत बनाता है। तालू क्या करता है, मुख गुहिका की छत बनाता है। ये मुख गुहा को नासा गुहा से अलग करता है। मुख गुहा, ये मुख गुहा है, इस बक्कल कैविटी को इस नासा गुहा से क्या करता है, अलग करता है। तालू को दो भागों में बटा होता है। आगे की ओर कैसा तालू होता है, कठोर तालू, पीछे की ओर कोमल तालू। और कठोर तालू में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तीन हड्डियां, पेलेटाइन, प्री मैक्सिली और मैक्सिली नामक। कितनी हड्डियां पाई जाती है, तीन हड्डियां पाई जाती है। फिर मैंने कहा कि कठोर तालू पर अनुप्रस्थ भार पाए जाते हैं, जिसे तालू वलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तालू वलिया। और तालू वलिया क्या काम आती है, जो भी कोई मांसाहारी शिकार करता है तो उसको पकड़ने में काम आती है। तो तालू वलिया मांसाहारी प्राणियों में विकसित होती है, शिकार को पकड़ने रखने में क्या होती है, ये सहायक होती है। फिर मैंने कहा कि कठोर तालू में एक अंग पाया जाता है, उसे बोलते हैं जैकबसन अंग। कौन सा, जैकबसन अंग पाया जाता है, जो भोजन को गंधग्राही होता है। गंधग्राही मतलब भोजन की हमें क्या बताता है, गंध बताता है। क्या बताता है, गंध बताता है। और कोमल तालू में हड्डियां नहीं होती है, और इसका अंतिम सिरा सकरा होकर नीचे की ओर लटका रहता है, जिसे तालू विच्छेद या यवला या वेलियम प्लेटी कहते हैं। फिर आता है तालु विच्छेद। क्या आता है, तालु विच्छेद, कि अंतःनासा छिद्र को बंद करने का काम करता है। तालु विच्छेद क्या काम करता है, अंतःनासा छिद्र को बंद करने में काम आता है। फिर आती है हमारी जीभ के बारे में, कि जो हमारी जीभ है उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, कि हमारी जीभ कैसी होती है। तो इस प्रकार की एक संरचना होती है हमारी जीभ की, इस प्रकार की हमारी क्या होती है, जीभ की संरचना होती है। तो जीभ का ये अग्र सिरा होता है जो खुला होता है, और ये पश्च सिरा होता है। ये कैसा सिरा होता है, ये पश्च सिरा है। कैसा सिरा, पश्च सिरा। ये हमारा है अग्र सिरा, जीभ का है अग्र सिरा, और ये है पश्च सिरा। और ये किससे बना होता है, फेनुलम लिंगवी, इसको बोलते हैं फेनुलम, फेनुलम लिंगवी। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो जीभ होता है उसकी निचली सतह किसके द्वारा बंधी हुई रहती है, फ्रेनुलम लिंगवी के द्वारा बंधी होती है। या इसकी जगह आता है कि हड्डी कौन सी होती है, हायोड हड्डी से बंधी रहती है। कौन सी हड्डी, हायोड हड्डी से बंधी रहती है। अब हमारी जीभ के ऊपर इस प्रकार से छोटे 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 उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं इस प्रकार से। इन उभारों को बोलते हैं स्वादांकुर। क्या बोलते हैं, स्वादांकुर, या अपना कह सकते हैं रसांकुर। क्या कह सकते हैं, रसांकुर। हमारी जीभ के ऊपर जो उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर। ये रसांकुर भी कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्त होता है। रसांकुरों के नाम सूत्राकार होते हैं, कवक रूपी होता है। ये हमारे क्या पाए जाते हैं, रसांकुर के प्रकार है। क्या होते हैं, रसांकुर के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीभ के बारे में, कि जीभ कैसी संरचना है, मांसल संरचना है। कैसी संरचना है, मांसल, मतलब हमारे मांस से बनी हुई संरचना है। जीभ का अग्र सिरा स्वतंत्र होता है। हमारी जो जीभ होती है इसका आगे का ये सिरा है, ये स्वतंत्र होता है, किसी से बंधा हुआ नहीं रहता। और जो पीछे का सिरा होता है, ये हायोड हड्डी या फेनुलम लिंगवी से क्या होती है, बंधी हुई होती है। जीभ के ऊपर जो उभार पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर। तो सेकंड ग्रेड में यहाँ से कुत्रा क्वेश्चन आता है, यहाँ से कि रसांकुरों के नाम बताओ, सूत्राकार, कवकरूपी, परिवर्त। जो परिवर्त होते हैं वो इस प्रकार के बड़े होते हैं, जो आकार में सबसे बड़े और संख्या में क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। सूत्राकार आकार में क्या होते हैं, छोटे, संख्या में सबसे अधिक होते हैं। ये हमारी जीभ है। फिर अब इसके बाद में देखते हैं हमारी जो जीभ की संरचना है, जीभ की संरचना है।
ये हमने हमारी जीभ बनाई थी इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने क्या बनाई थी जीभ। तो हमारी जीभ पर एक हिस्से में अपन ये डिवाइड कर दे और ये हो गया चार। ये हमने हमारी जीभ को चार हिस्सों में बांट दिया। तो हम देखते हैं कि लास्ट वाला होता है ना अपने, लास्ट वाला भाग, यहाँ पे हमें कड़वेपन का एहसास होता है। किसका? कड़वे का या झंझनाहट का, झंझनाहट। जो हम कोई भी कड़वी वस्तु खा लेते हैं, जैसे अदरक खा लिया आपने, अदरक वगैरह, इनका टेस्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे किसका होता है? मीठे का टेस्ट होता है। किसके? मीठा। आप जो स्वीट्स खाते हो उसका टेस्ट कहाँ पे होता है? जीभ के अग्रभाग के। कहाँ पे? ये कौन सा भाग है जीभ का? अग्रभाग। और ये कौन सा भाग है? पश्चभाग। ठीक है। और ये कौन सा भाग है? पार्श्व भाग। कौन सा भाग है? पार्श्व भाग। ठीक है, ये पार्श्व भाग होता है। और पार्श्व भाग में कैसा होता है? खट्टे का एहसास होता है, तीखे का एहसास होता है, अपन कह सकते हैं नमकीन का एहसास होता है। तो ये हमारे जो हमारी जीभ होती है, उस जीभ के अंदर कितने प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं अपन को? भाई यहाँ पे पड़ा पश्चभाग होता है, यहाँ पे बीच में किसका मिलेगा? नमकीन का। किसका मिलेगा? मीठे के पीछे नमकीन, नमकीन के पीछे कड़वा, और साइड में किसका मिलेगा? खट्टे का। किसका स्वाद मिलता है? खट्टे का। तो यहाँ पे हमें साइड में नमकीन मिलती है, यहाँ पे नमकीन यहाँ पे मिलती है, और खट्टे का कहाँ पे मिलता है? इस साइडों में खट्टा मिलता है। ये साइड भाग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्व भाग। कौन सा भाग? पार्श्व भाग। तो हमारी जीभ के अंतर्गत हम देखते हैं चार प्रकार के स्वादों का पता लग सकता है। कैसे? कि जो पीछे पीछे का भाग है, इस पीछे वाले भाग में, इस पीछे वाले भाग में कड़वे का एहसास होता है, और साइड को भाग बोलते हैं पार्श्व भाग। इस पार्श्व भाग में खट्टे का एहसास होता है, और आगे वाले भाग में किसका एहसास होता है? मीठे का। और ये बीच वाला भाग है, इसमें किसका एहसास होता है? नमकीन का एहसास होता है। तो ये थी हमारी जीभ की बारे में। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जीभ को कौन सी हड्डी बांध के रखती है? तो जीभ हायोइड हड्डी से बंधी रहती है। ठीक है। जीभ का अगला सिरा कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। पिछला सिरा कैसा होता है? पेनमन लिंगवी नामक संरचना से बंधा हुआ होता है। अब हमने जीभ फड़ ली। जीभ फड़ने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब दांत। तो हमारा मुख गुहा कंप्लीट हो जाएगी, तो हम पढ़ेंगे आज दांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब दांत। देखो भाई, दांत, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? वैसे तो ओडोन्टोलॉजी आता है, लेकिन हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन जिस के अंतर्गत किया जाता है, उसे बोलते हैं डेंटोलॉजी या ओडोन्टोलॉजी। और दांत का जो डॉक्टर होता है, उसे बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पे दांत के बारे में देख रहे हैं कि स्तनधारियों में दांतों की तीन विशेषताएं होती है। हमारे जो स्तनधारी हैं, जिनके अंतर्गत दांतों की कितनी विशेषता होती है? तीन विशेषताएं होती है। पहली गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो किसमें? एक सॉकेट या खांचे में क्या होते हैं? बंद रहते हैं। इस वजह से हमारे दांतों को बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं? गर्त दंती। फिर आता है द्विबार दंती। क्या आता है? द्विबार दंती। कि हमारे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं? दो बार दांत आते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं द्विबार दंती। हम कहते हैं कि हमारे ऐसे कितने दांत हैं जो दो बार आते हैं? अरे, जो 20 दांत होते हैं, हम दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, वो हमारे कितनी बार आते हैं? दो बार आते हैं। इस वजह से इसकी क्या विशेषता होगी हमारे दांतों की? कि हमारे दांत दो बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? दो बार आते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। फिर आता है विषम दंती, कि आकृति व कार्य के आधार पर हमारे दांत भिन्न प्रकार के होते हैं। आकृति, जो हमारी आकृति होती है, आकृति के आधार पे हमारे दांत कितने होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे दांतों की हम बोलते हैं कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये हमारे जो दांत है, ये चार प्रकार के किसके आधार पर बांटे गए हैं? आकृति व कार्य के आधार पर। क्योंकि
क्वेश्चन आ जाए कि आकृति व कार्य के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आकृति और कार्य के आधार पर हमारे दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला बोलते हैं कृंतक या छेदक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? इनसाइजर। क्या बोलते हैं भाई? इनसाइजर। तो ये इनसाइजर होते हैं अपने, या अपन क्या कह सकते हैं इनको, बोलते हैं स्माइल टीथ। क्या बोलते हैं? इनसाइजर। जो इनसाइजर होता है, इनसाइजर, इसको बोलते हैं स्माइल टीथ। मतलब जो हम हंसते हैं, हंसते हुए हमें जो सामने के चार दांत दिखाई देते हैं। कितने दांत भाई? चार दांत। अरे ये हमारा इस प्रकार से देखो जबड़ा होता है, इस प्रकार से ये जबड़ा है ऊपर का, और ये हमारा नीचे का जबड़ा। ठीक है, कोई भी मनुष्य हंसेगा तो ये चार दांत ऊपर के दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे? अरे ये दिखाई देंगे, ये चार दांत नीचे के दिखाई देंगे। तो ये कहलाते हैं इनसाइजर। क्या कहलाते हैं? इनसाइजर। क्वेश्चन आता है इनसाइजर की संख्या कितनी होती है। अरे ऊपर वाले जबड़े में चार, नीचे वाले जबड़े में चार, कितने दांत हो गए? आठ दांत। कितने हो गए? आठ दांत। और इनसाइजर का काम क्या है? कुतरना। क्या करना? कुतरना, या अपन कह सकते हैं भोजन को काटने का काम करते हैं। तो इनसाइजर होता है जो भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। अब आपने देखा होगा कि इस चार दांत के बाद में जो ये हमारे दांत आते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो अपन दांत देखते हैं, एक दांत यहाँ पे, एक दांत यहाँ पे, जो हमारा तीखे दांत होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तो एक एक दांत ये होता है। इन दांत को बोलते हैं अपन कैनाइन, हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। तो ये क्या करते हैं? भोजन, या भोजन होता है उसको चीरने फाड़ने के काम आता है, भोजन को चीरने फाड़ने के काम आता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी रदनक, इनकी संख्या कितनी हो गई? अरे एक दांत ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनकी संख्या कितनी होगी? चार। कितनी होगी? चार। मैंने बताया इनसाइजर, इनकी संख्या कितनी होगी? आठ। अरे स्माइल टीथ, ये है हमारे, आई से लिख रहा हूं इसको ना, ठीक है। और ये कौन सा आ गया? कैनाइन। ये भी कैनाइन है हमारा, ये भी कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, और ये भी K9 है। तो आपको संख्या पता चल गई, कितनी संख्या हो गई? इंसाइजर की संख्या चार और चार आठ, ये हमारे इंसाइजर है, तो आठ संख्या हो गई। K9 की संख्या कितनी होगी? दो ऊपर वाले जबड़े में, दो नीचे वाले जबड़े में, तो कितनी संख्या हो गई? आठ संख्या हो गई। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, जो प्रीमोलर होता है इनको बोलते हैं अग्रचय वर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचय वर्णक। जसराज गुजर, मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद में हमारे दो दांत और आते हैं यहाँ पे, दो इधर दो इधर, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इसी प्रकार से दो यहाँ पे आएंगे, इसको भी क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। ये यहाँ पे आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। कितने दांत हो गए भाई? तीन और चार, सात, तीन, दस, 20 दांत हो गए। कितने दांत हो गए? 20 दांत। अब हमारे कितने दांत बच गए? 12 दांत। और जो 12 दांत के बाद में हमारी अक्कल दाढ़ वगैरह आती है, किसके अंतर्गत आती है? मोलर के अंदर। कितने आती है? मोलर। और इनको अग्र चय वर्णक और चय वर्णक को क्या बोलते हैं? कपोल दांत। क्या बोलते हैं? कपोल दांत। ये क्या करते हैं? चबाना और पीसने में काम आते हैं। तो इसके बारे में बचे कितने दांत? 6 दांत। तो 6 12 दांत, तो 12 दांत में तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, ये कि क्या हो गया? मोलर। क्या हो गया? मोलर। इस प्रकार से हमारे दांत पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, हमने दांतों के बारे में देखा कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोन्टोलॉजी कहलाता है। और स्तनियों में दांतों की तीन विशेषताएं होती है, गर्तदंती, मतलब हमारे दांत हमारे जबड़े के अंदर क्या रहते हैं? दसे हुए होते हैं। फिर आते हैं द्विबार दंती। ये दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं द्विबार दंती। फिर तीसरा आता है विषम दंती, कि आकृति व कार्य के आधार पर दांत हमारे
विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन सा? इंसाइजर, स्माइल टीथ बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी क्या करते हैं? कुतरने का काम करते हैं। रदनक या भेदक, या बोलते हैं कैनाइन, या बोलते हैं कार्नेसोरियल दांत, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। अब अगर चयवर्णक और क्या बच गया? चयवर्णक, इनको बोलते हैं कपोल दांत, ये चबाने और पीसने में काम आती है। तो इस प्रकार से हमारे दांतों की संख्या देखे तो इनकी इनकी संख्या कितनी थी? आठ। और इन फिर इनकी संख्या कितनी थी? चार। इन अगर चयवर्णक की कितनी है और चयवर्णक की कितनी है, तो इनकी संख्या हम देखते हैं तो चयवर्णक की कितनी होगी हमारी? बारह। और ये आठ कितनी हो गई? पीस आठ और आठ सोलह, और चार बीस, और बत्तीस। तो हमारे कितने दांत हो गए टोटल? इस प्रकार से हमारे कितने दांत होते हैं? बत्तीस दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं भाई? बत्तीस दांत होते हैं। यहां तक कोई क्लास ऑनलाइन वालों कोई परेशानी? अब यहां पे आ रहा है हमारा दंत सूत्र। क्या आ रहा है? दंत सूत्र। नहीं हो गया ठीक तो अच्छा यहीं से जाएगा जब, तो ठीक है। तो क्या बार बार कलर की आवश्यकता पड़ती है? देखो भाई, अब आता है दंत सूत्र। क्या आता है? दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में देखते हैं कि दंत सूत्र आया कैसे। तो यहाँ पे बहुत सारे दंत सूत्र आते हैं। कितने? बहुत सारे दंत सूत्र आते हैं। कि हमने यहाँ पे देखा था दंत सूत्र, तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं तो दंत सूत्र कैसे प्राप्त होता है। दंत सूत्र कि ये हमारे ऊपर वाला जबड़ा है, ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है। इस ऊपर वाले जबड़े के अंदर अपन ने अभी दांतों की संख्या लिखी थी। क्या लिखी थी? दांतों की संख्या लिखी थी। ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, ये ऐसे हमारा पूरा जबड़ा है ये मुंह का। इसके अंदर हमारे 32 दांत है, तो 32 दांत में से अपन क्या करते हैं? 16 16 के मतलब इस जबड़े को दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। कितने में? दो में। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले दो में कर लिया, या अपन ऐसे करें इसको चार में विभक्त करके देखे। देखो चार से समझाता हूँ, चार से अच्छा समझ में आएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या है, ये हमारा जबड़ा है, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से एक, देखो पहले क्या किया हमने, हमारा ये पूरा जबड़ा है। इस जबड़े को अपन ने क्या किया? दो भागों में व्यक्त किया। जैसे दो भागों का मतलब ऊपर वाले दांत अलग, नीचे वाले दांत अलग। ऊपर वाले दांत होते हैं, अब इसको हमने इस प्रकार से एक भागों में व्यक्त और कर दिया। तो हमने देखा कि हमारे पास जो इंसाइजर है, इंसाइजर मैंने बोला कि इंसाइजर है, इंसाइजर की संख्या कितनी है? आठ। कितनी है भाई? आठ। मैं जो दंत सूत्र बता रहा हूँ ये कैसे आए वो समझना है कि इंसाइजर की संख्या कितनी है? आठ। अब ये बताओ आठ को मैंने कितने, भाई हमारा जबड़ा है उसको चार भागों में व्यक्त कर दिया, तो आठ में किसका भाग दे दे? चार का। तो कितना आ गया? दो। तो मतलब प्रत्येक जबड़े में कितने दांत आ जाएंगे? दो दो। तो दो यहाँ पे आ गए, दो दांत यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद में मैंने बताया जो हमारे कैनाइन होते हैं, कैनाइन, कैनाइन कितने हैं हमारे कैनाइन? चार। चार में चार का भाग देंगे तो कितना आ गया? एक। तो एक एक को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बोला प्री मोलर कितने हैं हमारे? आठ। फिर आठ में चार का भाग दो, कितने? दो। देखो
हमारे प्री मोलर की संख्या कितनी है? आठ। आठ संख्या है, हमने कितने भागों में व्यक्त कर दी है? चार में। तो चार का भाग देंगे कितना आ गया? दो। तो सबके आगे दो दो लिख दो, ये दो लिख दिया, ये दो लिख दिया, ये दो लिख दिया। फिर आगे क्या बचा हमारा? मोलर। मोलर कितने हैं हमारे पास? बारह। बारह में किसका भाग दिया? चार का। कितने आगे? तीन, ये तीन लिख दिया। ठीक है, तो हमारा दंत सूत्र क्या आया? 21 23 बटे 21 23 × 2। तो ये हमारे 32 दांतों का दंत सूत्र है। किसके? 32 दांतों का दंत सूत्र इस प्रकार से निकल के आता है कि 21 23 बटे 21 23 × 2। इसको दो से गुणा करेंगे तो हमारे 32 दांत आ जाएंगे। देखो, दो को किया चार, इससे किया दो, इससे किया कितने? चार, इससे तीन से छह, ऊपर वाले कितने? 16 16 32। इस प्रकार से हमारा दंत सूत्र आता है। तो जो एक वर्ष से लेके सात वर्ष का बच्चा होता है, जिसको बोलते हैं अपन दांत, सॉरी मल, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, मतलब दांत, दूध के दांत। उनका दंत सूत्र क्या होता है? उनके अंदर दूध के दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। कितने? 20। तो उसका दंत सूत्र क्या होता है? 21 02 बटे 21 02 × 2। ठीक है, ये उसका दंत सूत्र होता है। फिर जब कोई भी वयस्क होता है, 7 से 17 वर्ष का होता है, तो उसके अकल नाड़ वगैरह नहीं आती है, तो जिस वजह से उसका दंत सूत्र क्या होता है? 21 22। क्या होता है? 21 22 बटे 21 22 × 2। ये किसका है? 7 से 17 वर्ष का बच्चा, 7 से 17 वर्ष का किशोर, उसका दंत सूत्र क्या होता है? 21 22 बटे 21 22। और जिसके दूध के दांत होते हैं, जो बच्चा होता है 1 से 7 वर्ष का, उसके क्या होते हैं? 21 02 बटे 21 02 × 2 होते हैं। फिर वयस्क आ जाता है, मतलब जो 20 साल से अधिक का है, उसमें 32 दांत होते हैं। तो अब यहाँ पे हमको तीन तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि दूध या दांत, मिल्क टीथ का दंत सूत्र है, मिल्क टीथ का दंत सूत्र है। तो मिल्क टीथ का दंत सूत्र क्या होता है? 21 02। कैसे लिखोगे? 21 02 बटे 21 02 × 2। कि दूध या दांत या मिल्क टीथ का सूत्र है 21 02 बटे 21 02 × 2। फिर आता है 7 से 17 वर्ष का दंत सूत्र क्या है? 21 22। कितना भाई? 21 22 बटे 21 22 × 2। ये 7 से 17 वर्ष। मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि जिन 20, मतलब वे बच्चे जो जिनके 20 दांत होते हैं, उनका दंत सूत्र क्या होता है? उनका दंत सूत्र होता है 21 02 बटे 21 02 × 2। और वे बच्चे जिनके 28 दांत होते हैं, उनका दंत सूत्र क्या होता है? तो उनका दंत सूत्र होता है 21 22 बटे 21 22 × 2। और फिर उसके बाद में 28 दांत आ जाते हैं, 28 दांत मतलब सॉरी 32 दांत आ जाते हैं। पूरे दांत आने के बाद में कितना दंत सूत्र होता है? 21 23। कितना? 21 23 बटे 21 23 × 2। ये तो है अकल डाड़ आने के बाद में, अकल डाड़ आ जाएगी, पूरे 32 दांत आ जाएंगे, तब का दंत सूत्र है 21 23 बटे 21 23। देखो इसको मैं वापिस आपको तीनों दंत सूत्र एक साथ लिखवा रहा हूं। यहाँ पे जो हमारे तीन क्वेश्चन बन रहे हैं दंत सूत्र से, और सबसे ज्यादा हमें समस्या होती है दंत सूत्र में, किसमें होती है? दंत सूत्र में। तो दंत सूत्र में आपको क्या करना है? ये तीनों फॉर्मूले लिखने हैं कि क्वेश्चन हमारे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं हम सबसे ज्यादा। सबसे पहले मिल्क टूथ, मिल्क टीथ या दूध के दांत, दूध के दांत, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है भाई? 20। दूध के दांत कब आते हैं? जब कोई बच्चा 1 से 7 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 से 7 वर्ष का होता है, उसके कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इस 20 दांत का सूत्र क्या है? 21 02 21 02 बटे 21 02 × 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि
कि बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन से दांत नहीं होते। अरे देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, इंसाइजर, मतलब ये कौन सा है, आई, फिर लिखा था कैनाइन, फिर लिखा था प्री मोलर, फिर लिखा था मोलर, ये इंसाइजर है, ये अपना कैनाइन है, ये प्री मोलर। तो छोटे बच्चे, जो बच्चे 20, जो जिन बच्चों में 20 दांत होते हैं या 1 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर प्री मोलर अग्र चयवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, बच्चों के अंदर ये दांत नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते, अरे बच्चों के अंदर प्री मोलर दांत नहीं होते। और क्वेश्चन क्या आया कि मिल्क टीथ का सूत्र है 21 02 बटे 21 02 × 2। अब इस दो को सबसे गुणा करोगे और इनको जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये टोटल दांत आएंगे। देखो 2 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 × 2 किया, देखो 10 ही दांत ही हो गए, 10 ही हो गए, कितने हो गए टोटल 20 दांत। इस प्रकार से कितने दांत हो गए, 20 दांत। जो 1 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं और इनके अंदर प्री मोलर उपस्थित नहीं होते। फिर मैंने बताया कि 7 से 17 वर्ष, 17 वर्ष मतलब जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं जिनके अंदर 28 दांत होते हैं, कितने 28 दांत होते हैं, इनका दंत सूत्र क्या होता है, इनका दंत सूत्र होता है 21 22 बटे 21 22 × 2, ये इसका सूत्र होता है। फिर आता है कि 32 दांत वाले का, कि भाई 32 दांत या वयस्क का जो 25 26 साल से ऊपर है उसका दंत सूत्र क्या होता है, 21 23 बटे 21 23 × 2। ये दंत सूत्र याद रखना है, आपके पास 3 दंत सूत्र हैं, 7 वर्ष का सूत्र है 21 22 बटे 21 22 × 2, 32 दांत वाले का 21 23 बटे 21 23 × 2। अब हम पढ़ते हैं दांतों की विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं। तो दांतों की विशेषता में सबसे पहले इंसाइजर, संख्या कितनी होती है इनकी, 8, संख्या कितनी होती है 8, 2 बार निकलते हैं जो इंसाइजर होते हैं, जो कितनी बार निकलते हैं 2 बार निकलते हैं। इनमें जड़ की संख्या, जो दांत की जड़ की संख्या 1 होती है और इनको 6 महीने में विकसित होते हैं, कितने महीने में, 6 महीने में विकसित होते हैं। और जो हाथी के जो 2 दांत निकले हुए होते हैं, हाथी के जो 2 दांत निकले हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसाइजर, क्या बोलते हैं, इंसाइजर, जिन्हें टस्क भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टस्क भी कहा जाता है। फिर आता है कैनाइन, इनकी संख्या कितनी होती है 4, ये 2 बार निकलते हैं, इनमें जड़ की संख्या कितनी होती है 2, 16 से 20 माह में विकसित हो जाते हैं। जो जंगली सूर में 2 दांत कैनाइन, उनको भी क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। फिर आता है प्री मोलर, अग्र चयवर्णक, इनकी अंतर्गत संख्या कितनी होती है 8 संख्या होती है, कितनी 8, और 1 बार निकलते हैं, 1 बार निकलते हैं, इस वजह से बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और इनको विकसित होने में 10 से 11 माह का टाइम लगता है। फिर अगले दांत आते हैं मोलर, जो 8 दांत है जो 2 बार निकलते हैं, जिसमें से 4 दांत तो 1 बार निकलते हैं, और तीसरा मोलर दांत को अक्कल दांत कहते हैं, तीसरे मोलर दांत क्या कहते हैं, अक्कल दांत कहते हैं। इनमें जड़ों की संख्या कितनी होती है 3, और 12 से 15 माह में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और खरगोश में कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, इसके स्थान पर दंतावकाश पाया जाता है, क्या पाया जाता है, दंतावकाश पाए जाते हैं। तो ये दांत हमने केवल अभी तो ये बात हुई है, दंत सूत्र की बात हुई है, कितने दांत पाए जाते हैं ये बात हुई है, अभी तो हमें दांत की संरचना पढ़नी है, क्या पढ़नी है, दांत की संरचना। तो दांत की संरचना देखनी है, तो दांत की संरचना में देखना है कि हमें दांत कितनी बार निकलते हैं, दांत की ऊपर वाली संरचना क्या होती है, दांत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, दांत में जो सबसे कठोर भाग पाया जाता है इनेमल बोलते हैं, वो किसका बना हुआ रहता है, ठीक है, दांत की उत्पत्ति कहां से हुई है, कौन सी, जो अपने 3 परतें पाई जाती है, मीजोड्रम, एक्टोड्रम, एक्टोमीजोड्रम, उनमें से किस में से हुई है। तो इस प्रकार से हमारा अगला वीडियो रहेगा, जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी दांत की संरचना के बारे में, किसके बारे में, दांत की संरचना के बारे में। तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड रीट का जो और लैब असिस्टेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज है, जो भी विद्यार्थी साइंस के अंतर्गत सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहा है
या कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहा है, या रीट की तैयारी करना चाह रहा है, तो ध्रुविका क्लासेज अजमेर जो शंभू सर के द्वारा संचालित है वहाँ पे ज्वाइन करो, और जो मेरी साइंस है वो पढ़ने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। और हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, सभी तरीके की आर एस हो गया, रीट होगी, सीईटी होगी, SSC GD, अग्निवीर, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी हमारे जितने भी वैकेंसी आती है उनकी यहाँ पे तैयारी की जाती है। और प्रति सप्ताह साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा है यहाँ पे। ओएमआर के द्वारा क्या होता है, टेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो ध्रुविका क्लासेज अजमेर से जुड़िए आप, और न्यू बैच स्टार्ट है यहाँ पे, सेकेंड ग्रेड लैब असिस्टेंट और रीट का, ठीक है दोस्तों। और ये सारी क्लासें आपको ध्रुविका क्लासेज के ऐप पे मिलेगी, सारा संपूर्ण कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे लाइव चल रहा है कोर्स, लाइव बैच चल रहा है यहाँ पे। तो जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन लेवे। धन्यवाद।